दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए कुछ छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके घर और किचन के काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं और मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। आज हम देखेंगे कि जंग लगे हुए ताले का जंग कैसे साफ करें और इसको फिर से नए जैसा कर दें। तो इसके लिए देखिए, मैं ताला ली हूँ और ये मेन गेट का ताला है, तो इसमें काफ़ी सारी गंदगी लग जाती है और बारिश वगैरह भी होता है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी जंग लग जाता है। कोई लॉक अगर नहीं खुल रहा है, ठीक से नहीं बंद हो रहा है, तो उस पर भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास मिट्टी का तेल है, यानी कि कैरोसिन है, तो आप इस ताले को कैरोसिन में रात भर के लिए डाल दीजिए। सारा जंग अपने आप से निकल जाता है और ताला बिल्कुल फ्री हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है मिट्टी का तेल, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर ली हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल के बजाय आप चाहे तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कैरोसिन ऑयल। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ताले में अच्छी तरह से ऐसे लगा देंगे, सब तरफ से इसमें बढ़िया से लगा देंगे और इसका जो होल है इसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे इस तरह से, और इसको छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो करीब 5 मिनट हुआ है। अब इसको साफ करने के लिए हम लेंगे कोई पुराना ब्रश और इससे इसको हम रब करते हुए अच्छी तरह से साफ करेंगे। जरूरत लगे तो थोड़ा सा तेल और लगा लीजिएगा और इस तरह से रब करते हुए हम इसको साफ करेंगे। और आपको जरूरत लगे तो यहाँ पर स्क्रब का भी यूज कर सकते हैं। जंग ज्यादा है तो स्क्रब ले लीजिए, उससे भी छुड़ा सकते हैं, या फिर सैंड पेपर है, सैंड पेपर से भी इसको छुड़ा सकते हैं। तो बस इस तरह से ब्रश से रब करते हुए हम इसको साफ करेंगे और इसकी जो की है, की को भी इसी ब्रश से साफ कर लेंगे। अब कोई पुराना कॉटन कपड़ा लेंगे और अच्छी तरह से इसको हम पोंछ देंगे। पहले कितना गंदा था, अभी देखिए कितना साफ हो चुका है। तो इस टिप को आप भी अपना सकते हैं, अपने गंदे से गंदे और जंग लगे हुए ताले को फिर से नए जैसा कर सकते हैं। तो अगर आप चावल को कीड़े लगने से बचाना चाहते हैं, तो इसमें ताजे नीम की पत्तियां डाल दीजिए। और ऐसा नहीं है कि पत्तियों को तोड़कर एक एक अलग करके डालिए, आप स्टिक सहित पत्तियां डाल दीजिए। और पहले के जमाने के लोग किसी भी तरह की दवा का यूज नहीं करते थे, वो सारी चीजों में जितने भी अनाज होते थे सब में नीम की पत्तियां या फिर करी लीफ, तेज पत्ता, मिर्चे, यही सब डालते थे, जिससे उनका अनाज काफी लंबे समय तक रहता था, खराब नहीं होता था और उनको खाने की चीजों में किसी भी तरह के केमिकल का भी यूज नहीं करना पड़ता था। तो मैं देखिए करीब 1 महीना हो गया इसमें ताजे नीम की पत्तियां डाली थी और पत्तियां अच्छे से सूख चुकी हैं। तो बस आपको ताजी पत्तियां डालनी है और धीरे धीरे करके पत्तियां चावल में ही सूख जाएंगी। इस तरह से आप चावल को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है केले को पकने से बचाने के लिए। जैसे हम मार्केट से केला लेकर आते हैं और इसको रख देते हैं तो एक दिन तक तो सही रहता है, लेकिन दूसरा दिन पूरा होते होते ये ज़्यादातर गल जाता है। तो बच्चे इसको बिल्कुल खाना नहीं पसंद करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी अगर गला हुआ केला दे दीजिए तो खाना नहीं पसंद करते हैं। तो क्या कीजिए, जब भी आप मार्केट से केला लेकर आइए तो इसको पहले पानी से अच्छी तरह से धुल लीजिए, और यहाँ पर नॉर्मल पानी से धुलिएगा। क्या होता है कि केला हो गया या फिर कोई भी फल, उसको पकने के लिए कार्बाइड में रखा जाता है। तो जब हम इसको अच्छी तरह से धुल देंगे तो पकने की प्रोसेस बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे, जहां केला 2 दिन में खराब हो जाता था, वहां पर 5 दिन आराम से चल जाएगा। तो जब भी आप केले को थोड़ा लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, तो इस तरह से धुल कर रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मार्केट से हम कोई कोई बिस्किट लाते हैं जो इस तरह के डिब्बे में होता है, ऊपर से दूसरा रैपर होता है लेकिन अंदर से इस तरह से होता है। तो क्या होता है, बिस्किट खाने के बाद इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन इस टिप को देखने के बाद इसको आप कभी नहीं फेंकेंगे। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसको दे दीजिए छोटे बच्चों को। जैसे कि जो बच्चे शॉर्पनर से बार बार पेंसिल छीलते हैं, तो पेंसिल छीलने के बाद उसके छिलके को इसमें रख के इस तरह से ढक दें,
या फिर उनके पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर उधर फैल जाती हैं, छोटी छोटी पेंसिल हो गई, इरेजर हो गया, शॉर्पनर, वो सब चीज़ें भी उसमें वो इकट्ठा करके रख दें और ढक दें। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनको ये पैकेट एक बार ज़रूर देकर देखिए और आप खुद देखेंगे उनको कितना पसंद आता है। फिर वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर फैलाए नहीं रहेंगे, इसी में रखेंगे। चार्जर कभी ना कभी ख़राब होता ही रहता है, किसी ना किसी का चार्जर अक्सर ख़राब ही हो जाता है। तो चार्जर फेंकने से पहले क्या कीजिए, इसका ये वाला जो भाग होता है इसको आप निकाल लीजिए, इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन होल्डर का यूज हम सभी को करना पड़ता है, फ़ोन होल्डर की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है, तो इसको आप फ़ोन होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है, आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, इस तरह से फ्री में आपका फ़ोन होल्डर तैयार हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे हम सभी के घरों में आते रहते हैं, तो इसको क्या होता है खाली होने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका भी बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। जब भी आपकी चीज़ें खाली हो जाए तो अच्छी तरह से इनको साफ कर लीजिए और इसमें आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। जो चीज़ें काफ़ी छोटी होती हैं, एक दो होती हैं, इधर उधर रख दीजिए तो गायब होने का डर होता है। जैसे कि ये सेल है ना, तो इसको मैं बहुत पहले लेकर आई थी और इसको मैं रखती थी, फिर खोजने लगी तो मुझे मिला ही नहीं। ये मेरे माउस का सेल है, तो माउस में लगाने के लिए फिर मैं दूसरा सेल मंगाई और दूसरा सेल जब मंगाई तो उसके बाद देखिए ये सेल मिल गया। तो क्या होता अगर मैं इसको इस तरह से किसी छोटी डिब्बी में रखती तो मुझे पता होता कि इसमें रखा है, तो आसानी से मिल जाता। तो इस सब टाइप की चीज़ें जैसे कि इंच टेप हो गया, कोई सिंगल चाबी हो गई, या घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम इधर उधर रख देते हैं तो जल्दी नहीं मिलती हैं, तो इन डिब्बियों में आप ऐसे करके रख दीजिए, आपको पता रहेगा कि इसमें है, तो इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी चीज़ें भी इधर उधर गायब नहीं होंगी। और आप चाहे तो इस डिब्बी को अपने किचन में भी रख सकती हैं। जैसे कि किचन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मिठाई या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्रॉसरी आइटम भी हम लाते हैं, तो ज़्यादातर में रबर बैंड लगा होता है। रबर बैंड निकाल कर इधर उधर रख देते हैं, ज़रूरत पर वो भी नहीं मिलता है, तो इन डिब्बियों में आप रबर बैंड भी इकट्ठा करके रख सकती हैं। तो कहने को तो छोटी छोटी टिप है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। इन टिप्स को आप भी अपनाएंगी तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। पका हुआ केला हम घर में जब लेकर आते हैं तो एक दिन तो सही रहता है, लेकिन दूसरे दिन से ही ये और ज़्यादा पकने लगता है, तो इसी के लिए हमारी ये टिप है। तो सबसे पहले आप पके केले को ले लीजिए और इसमें कोई पेपर इस तरह से लगा दीजिए, अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके इसमें लपेट दीजिए और उसके बाद लीजिए एल्युमिनियम फॉयल और इसको इसके ऊपर लगा दीजिए। आप चाहे तो कोई पॉलीथीन भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से आप केले को रखेंगे तो 3 से 4 दिन रखेंगे, फिर भी आपका केला पकेगा नहीं। बहुत ही अच्छी टिप है, केले को ज़्यादा पकने से आप इस तरह से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी घड़ी को लेकर। अभी बारिश का मौसम है तो बारिश में हर दिन किसी न किसी की घड़ी भीग ही जाती है, बारिश हो या कभी कभी हाथ धुलने के चक्कर में भूल से भी घड़ी भीग जाती है। वैसे आजकल तो वाटरप्रूफ घड़ी आती हैं, लेकिन अगर आपके पास वाटरप्रूफ घड़ी नहीं है, नॉर्मल घड़ी आप पहनते हैं और वो भीग चुका है, तो क्या कीजिए, भीगी हुई घड़ी को पहले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए और उसके बाद इसको डाल दीजिए चावल में। इस तरह से चावल में इसको दबा दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अब चावल जो है वो मॉइस्चर सोखने का काम करता है, तो जब हम इसमें रात भर के लिए घड़ी डाल देंगे तो घड़ी में जो भी पानी है सब चावल सोख कर लेगा। अगर कभी बारिश में या फिर भूल कर आपकी घड़ी भी गीली हो जा रही है तो इस टिप को अपना कर देखिए, ये टिप बहुत अच्छी है, हर किसी के काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लेंगे एक कटोरी और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, इसको खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे नैपकिन और नैपकिन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें डुबा कर रखेंगे। तो इसको हमें रखना है अपने फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में कई तरह के फल हम रखते हैं, कई तरह का खाना रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, तो सारे स्मेल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं जिससे फ्रिज से बैड स्मेल आने लगती है। तो जब भी हम फ्रिज खोलते हैं तो बैड स्मेल से ही परेशान हो जाते हैं, या फिर दूध रखते हैं तो वो सारे स्मेल दूध में भी आ जाते हैं, तो दूध पीने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको आप फ्रिज के किसी कोने में रख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और वैसे तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ्रिज आ रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का स्मेल इधर उधर नहीं होता है, मतलब जिसकी जो स्मेल है वो उसी में रहती है, दूसरे चीज़ में नहीं जाती है, ना ही दूध में जाती है। तो अगर आपके पास आजकल की फ्रिज है इस टाइप की है जिसमें स्मेल इधर उधर नहीं होती है, तब आपके लिए ये टिप नहीं है, लेकिन जिसका फ्रिज थोड़ा पुराना है, बैड स्मेल आ जाती है, उसके लिए ये टिप बहुत ही यूजफुल है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी YouTube फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।